आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक मल्टी कैप फंड की। अगर आप मल्टी कैप फंड्स को समझना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए। आज के वीडियो में हम ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड के बारे में बताएंगे। हम आपको इस फंड के फीचर्स के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी स्क्रॉल डाउन करके आप सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। आपने अगर अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए तो अभी हमारा ऐप जेड फंड्स डाउनलोड करके किसी भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट्स ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए अभी हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 7217746224 पर। मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड एक ओपन एंडेड फंड है जो अपने एसेट्स का मैक्सिमम पोर्शन लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इस फंड में आपको तभी इन्वेस्टमेंट कंसिडर करनी चाहिए जब आपका टाइम होराइजन एटलीस्ट 3 साल का हो। आइए सबसे पहले ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड के पास्ट रिटर्न्स पर एक नज़र डालते हैं। फंड का इंसेप्शन अक्टूबर 1994 में हुआ था और फंड ने तब से ऑन एन एवरेज 14.59% के रिटर्न्स दिए हैं। फंड ने 1 साल में 2%, 3 साल में 18.7% और 5 साल में 11.8% के रिटर्न्स दिए हैं। अब ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड के स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन पर एक नज़र डालते हैं। फंड के एसेट्स 88 स्टॉक्स में एलोकेटेड हैं। सबसे ज़्यादा एलोकेशन ICICI बैंक में है विद 7.86%, HDFC बैंक में 4.02% और इन्फोसिस में 3.3%। इस फंड की टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग 31.67% है। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड के एसेट्स 15 सेक्टर्स में एलोकेटेड हैं। सबसे ज़्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल्स में है एट 27.47%। टॉप 3 सेक्टर्स है फाइनेंशियल्स, ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी, जिनकी वेटेज 45.82% है। इस फंड का प्राइस टू बुक रेशियो 5.58 है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23.62 है। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल के ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। फंड का AUM एज ऑफ 30th September 2022 6,791 करोड़ था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.97% है। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 रुपीज़ है, एंड इफ़ यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू SIP तो मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपीज़ है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी मोड चूज कर सकते हैं। बाकी फंड्स की तरह इस फंड पर भी रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप अपने 10% से ज़्यादा यूनिट्स को 365 डेज के अंदर अंदर बेच देते हैं तो उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज करने के 365 डेज के बाद में बेचते हैं तो उस पर आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इस फंड पर होने वाले गेंस पर एप्लीकेबल टैक्स रेट की। क्योंकि ये फंड अपना पैसा इक्विटी सिक्योरिटीज़ में लगाता है तो इस पर जो भी एप्लीकेबल टैक्स रेट होंगे वो इक्विटी के ही होंगे। अगर आप यूनिट्स को 1 साल में बेच देते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स देना पड़ेगा, विच इज़ एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप अपनी यूनिट्स को 1 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगेगा, विच इज़ एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे, ये 10% भी आपको तभी लगेगा जब आपके टोटल कैपिटल गेंस इन अ सिंगल ईयर 1 लाख रुपये से ज़्यादा होंगे तब। ये था ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड के फीचर्स के बारे में। बट अब सवाल ये आता है कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये फंड अपने एसेट्स को प्राइमरीली इक्विटी में लगाता है तो रिस्क तो हाई है। इस फंड में इन्वेस्टमेंट तभी रेकमेंडेड है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए, दैट इज एटलीस्ट 3 ईयर्स के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहे हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा के जानना चाहते हैं कि ये फंड आपके लिए सही रहेगा या नहीं तो अभी हमें व्हाट्सएप मैसेज करें 7217746224 पर और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए तो और देर मत करिए। म्यूचुअल फंड्स आर वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आप अभी हमारा ऐप जेड फंड्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट्स ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको इस वीडियो को लेकर या फिर किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चंस या कमेंट्स हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमारी वेबसाइट zfunds.in पर जाकर लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.